भगवान श्री कृष्ण की नगरी में हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा बस साफ सफाई आदि की व्यवस्था की जाती है और अधिकतर लोग मथुरा के नए बस स्टैंड से अपने सफर की शुरुआत करते हैं। अगर ऐसे में नगर निगम की अनदेखी के चलते आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को नाले के गंदे पानी से गुजरना पड़े तो निश्चित तौर पर ही उनकी भावनाएं आहत होंगी। ताज़ा मामला है मथुरा के नए बस स्टैंड का। यहाँ नालों की सफाई न होने के चलते सड़क नाली में तब्दील हो गई और नाले का गंदा पानी सड़कों पर बहता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि इसी रोड से प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में प्रशासनिक अधिकारी भी निकलते हैं, लेकिन उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जब इस संबंध में स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया है, यहाँ सब कुछ कागजों में होता है। नगर निगम द्वारा कागजों में कई बार नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप देख सकते हैं कि क्या है। अब देखने वाली बात है कि इस समस्या का कर्तव्य समाधान हो पाता है या स्थानीय लोगों को इसी प्रकार की समस्या से जूझना पड़ेगा। जल भराव की स्थिति यह है कि बगैर पानी के जल भराव होता है। हमारे यहाँ की जो पार्षद है सुविता शर्मा जी, उनका कार्य इतना बढ़िया है कि उन्होंने इतने नाले भैया साफ कराए, उसी की देन है कि जल भराव हो रहा है। बगैर बरसात के तो हमारे यहाँ का यूपी है, इंडिया है, इंडिया में बगैर बारिश के ही पानी भरता है। और अगर उसमें ज़्यादा बड़ा सराहनीय कार्य करेंगे हमारे पार्षदगण तो और ज़्यादा बढ़िया कार्य होगा। ये बढ़िया कार्य सराहनीय कार्य की देन है, क्योंकि जितने भी नाले साफ हुए वो सब कागजों में हो गए, रिश्वत घब गई, लेकिन कार्य कोई नहीं हुआ। धरातल पर तो होता ही नहीं है कभी, सब कागजों में ही होता है, पैसे जेब में चले जाते हैं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा कभी। सब कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, लेकिन और बढ़ रहा है। नगर निगम की लापरवाही, उससे ज़्यादा पार्षद जी की लापरवाही और उनके नीचे जो अधीनस्थ हैं उनसे ज़्यादा उनकी लापरवाही, क्योंकि लापरवाही का ही कारण है जब जब जल भराव हो रहा है। हमारे इस रोड पर 3 पार्षद हैं, लेकिन आज तक 3 ईंट उन्होंने इधर से उधर नहीं करवाई। मेन रोड है, हाईवे से मेन लिंक है इस रोड की, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, पास में डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, बहुत कुछ है इस रोड पर, लेकिन इस रोड को देखने वाला आज तक न कोई हुआ ना शायद होगा।